नमस्कार, एराइज न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश है आज की अहम खबरें। धनबाद के निरसा थाने के भागाबान गांव के होचोगडी जरका डंगाल में मिट्टी खदान की चाल धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भागवान का सार्थक डे और उसका भाई कृष्णा डे अपनी दादागिरी के दम पर मिट्टी की अवैध खुदाई करवाते हैं और इसके एवज में प्रति गाड़ी 50 रुपये वसूलते हैं। इस मिट्टी की कारखाने में कीमत 2700 रुपये प्रति टन है। ये मिट्टी साबुन, सीमेंट और फरकल ईंट बनाने में काम आती है। प्रति खदान से कई ट्रैक्टर माल रोजाना लोड होकर जाता है, जिसमें 50-60 मजदूर काम करते हैं। अवैध खदान के चलते क्षेत्र में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भागाबांध में पुलिस की नाक के नीचे मिट्टी की अवैध खुदाई का इतना बड़ा रैकेट कैसे चल रहा है, यह सवाल स्थानीय पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आज धनबाद के निरसा में पदाधिकारियों ने निरसा चौक से लेकर पांडा मोड़ तक दौड़ लगाई। इस जागरूकता अभियान में निरसा बीडीओ मुकेश कुमार बावरी, अंचलाधिकारी MN मंसूरी, पशुपालन अधिकारी संतोष कुमार के साथ काफी लोग शामिल थे। इस मौके पर निरसा बीडीओ मुकेश कुमार बावरी ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करना है, ताकि लोग बिना किसी भय के खुलकर मतदान कर सकें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक करें। सभी अवगत हैं, 12 में से लोकसभा निर्वाचन है। हम लोग का एक प्रयास है मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने के लिए। मतदाता जागरूकता रैली आज हम लोग निकाल रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य वही है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उस दिन मतदाता मतदान केंद्र पर। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? अभी निरसा चौक से जंतरा रोड तक है, रनपुर जा रहा है।